हेलो फ्रेंड्स, मैं देखनाल। आज क्या देखने वाले हैं? तो आज देखेंगे हम लोग, अरे सर वही 2D मोशन तो देखने वाले हैं आज। क्या क्या देखने वाले हैं? तो वही 2D मोशन देखने वाले हैं। दो बार मैंने बोल दिया लाइन को, चलिए ठीक है। 1999 का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 1999 का ही है, तीसरा क्वेश्चन 98 का है, चौथा क्वेश्चन 98 का, पांचवा क्वेश्चन 97 का। फिर बोल देता हूँ मैं, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में भी अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूंगा तो आपको इसी वक्त यहाँ पे कंप्यूटराइज फॉर्मेट में, एडिटेड फॉर्मेट में यहाँ पे नंबर एक और दिख जाएगा कि हाँ एक और क्वेश्चन डिस्कस होने वाला है। इसके अलावा नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। तो इन चारों क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, तो लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। तो इन चारों क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 आता है हमारे पास यहाँ पे। तो क्वेश्चन 30 देखने वाले हैं। अब मैं बता दूं कि 29 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियोस तक में कवर कर चुके हैं, 7 वीडियो में हम लोग। अ पर्सन स्विम्स इन द रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑफ द बैंक ऑफ अ रिवर। हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। द स्पीड ऑफ वाटर इन स्ट्रीम इज। अब देखिए पूछ रहा है क्या, एक पर्सन है, ठीक है, एक आदमी है जिसको स्विम करना है ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पहुंचना है, मतलब एक रिवर है ये, ठीक उसको अपोजिट डायरेक्शन में से पहुंचना है इस डायरेक्शन में। हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर इस तरफ है, तो इससे 120 डिग्री पे इसका जो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है। तो इस डायरेक्शन में 120 डिग्री पे इसका वेलोसिटी दिया हुआ है। मैं ऐसे इतना दूर तक ले आता हूँ इसको, ओके। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या बात है, पहुंचना है इसको क्या, एकदम एकदम सामने डिग्री पे पहुंचना है। तो ये मेरे पास क्या है, 120 डिग्री है। अब जब ऐसा हो ना, और इसका हमारे पास क्या दिया रहे कि इसका जो एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, स्विम करेगा इधर ये बच्चा और इधर ही जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलना है आप लोगों को कि जो हमें निकालना रहता है, मान लेते हैं वो ए पॉइंट से चला है, बी पॉइंट पे पहुंचना आता है और सी पॉइंट पे यहाँ पे ये है। अब होता क्या है, ऐसा होता क्यों है? होता इसीलिए है ना कि आप इस ढंग से चलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक वेलोसिटी आपको इधर टक्कर मार रही है। तो आप जब चलना चाहते हैं इधर, मान लेते हैं देखिए मैं अपना हाथ जब कैमरा फ्रेम के अंदर आएगा तो उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं मार रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ इधर ठीक यहाँ पे पहुंचू, ठीक है, मैं इस ठीक मार्कर थाने पहुंचू, यहाँ पे पहुंचू, तो मैं एकदम ठीक सामने आ रहा हूँ इसके, ठीक है, मैं सामने आ रहा हूँ, यहाँ फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। मैं सामने अभी भी आ रहा हूँ लेकिन ये फोर्स मुझे इधर लेके चला जा रहा है। अगर मैं इधर मूव करूँ तो जब फोर्स अगर हट होगा तो मुझे यहाँ पहुंचा देगा। उसी ढंग से ये आदमी सोचता है कि अगर 120 डिग्री एंगल पर मैं कूदूं, छलांग मारूं और मेरा कुछ वेलोसिटी हो, तो अगर इस डायरेक्शन में अगर वो मुझे कर देता है, यानी कि मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाता है, ओके। तो उसका वेलोसिटी भले 0.5 मीटर पर सेकंड इधर है, लेकिन एक रिवर का वेलोसिटी जब उसको मिलता है जो कि इस एक्स डायरेक्शन में है, उसका वेलोसिटी जो है ना वो थीटा एंगल से, ये थीटा कितना होगा भाई, थीटा 30 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये 120 है और ये 90 है तो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री से ये आदमी जो है इधर घूम जाता है और इधर बी पे पहुंच जाता है, ओके। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो अब ये समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास स्पीड जो स्ट्रीम का है, मैं मान लेता हूं कि वो स्पीड जो स्ट्रीम का है वो है यू ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, यू ऑफ स्ट्रीम ये स्पीड है जो कि एक्स डायरेक्शन में, और जो वी जो है वो पर्सन का है जबकि वो ए से स्टार्ट करता है, यानी कि जो वी जो वेलोसिटी है वो पर्सन का है, जो मैं वीपी से डिनोट कर रहा हूँ, ओके। अब जैसा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि वी जो है एक एंगल बनाता है 120 डिग्री विद द फ्लो ऑफ यू, यू से 120 डिग्री का एंगल बनाता है, तो रिजल्टेंट जो होता है वी और यू का एक ऐसा वेलोसिटी होता है जो कि ए और बी के डायरेक्शन में होता है, तब ना ए और बी के सामने सामने पहुंचेगा, ये रिजल्टेंट ना होगा तब ना ए और बी के सामने पहुंचेगा। इसीलिए अगर आप लोग ध्यान से यहां पे देखें तो अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि वी का दो कंपोनेंट हो जाएगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, इस वी का दो कंपोनेंट हो जाएगा, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा एक कंपोनेंट इधर होगा, ये हो जाएगा वी कॉस थीटा और ये हो जाएगा वी साइन थीटा।
तो अगर मैं कहूं कि यू यू वी साइन थीटा जो है वो वी स्ट्रीम के बराबर है, और ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसीलिए खाली और खाली वी कॉस थीटा बचता है, और इसीलिए वो ए बी पर चला जाता है। तो मैं क्या कहना चाहूंगा कि वी कॉस साइन थीटा जो होगा वो यू के स्ट्रीम के स्पीड के बराबर होगा। ओके, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। और वी साइन थीटा को पता है कि साइन कितना है, 30 डिग्री है। तो यू ऑफ स्ट्रीम आपको पता है कि यू ऑफ एस होगा, ठीक है। अब आपको वी दिया हुआ है कितना, 0.5, और साइन 30 आपको पता है कि कितना होता है, 30 होता है आपके 1/2, तो 1/2 हो गया ये। ओके, तो ये हो गया यू ऑफ एस। तो यू ऑफ एस जो होगा वो हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन में कहा क्या था निकालने के लिए भाई, तो क्वेश्चन कह रहा था आप लोगों को निकालने के द स्पीड ऑफ वाटर इन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ वाटर इन स्ट्रीम इज 0.25 मीटर पर सेकेंड। होप सब लोग समझ में आया क्वेश्चन, है ना। मैं होप इसीलिए करता हूँ कि मैं नहीं समझता कि सबका जो समझने का स्टाइल होता है, सबका जो तरीका होता है समझने का, वो बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए होप सो कहता हूँ, ताकि अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे सर नहीं समझ में आया। 31 क्वेश्चन। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 0.5 0.8 प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। अब एक यूनिट वेक्टर है ना भाई, 0.5 आई कैप हो, प्लस 0.8 जे कैप हो, एंड प्लस सी के कैप हो, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है। इसका जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अच्छा, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड जो है वो खुद ही 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको निकाल लेते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा 0.55 स्क्वायर, यानी कि 0.25। अब देखिए मैं फिर से डायरेक्ट करूंगा, फिर आप लोग बोलिएगा। हालांकि कोई नहीं बोलता, मैं समझता हूँ कि अपने मन में बोलते होंगे, तो इसीलिए 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मुझे पता है मेरे बच्चे जो भी हैं वो बहुत समझदार हैं। तो 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई, स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे पूरी तरह से, तो ये सारा का सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा ना। तो झंझट को खत्म करना बहुत जरूरी बात है भैया, ठीक है। तो ये हो गया 1। अब जरा देखो इसको प्लस कर दो, प्लस भी करना बहुत अच्छा बात है। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 4 9 और 6 2 8 होता है ना यार, 6 2 8 होता है, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ये आ गया मेरे पास। अब 1 से ये कट जाएगा, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0., जब ये इधर जाएगा तो ये -0.81 होगा ना, -0.81 होगा ना। तो जब ये -0.81 होगा तो जब इसको काटिएगा आप लोग, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा 9 और 1, है ना, 9 और क्या बचेगा, 0.1 9 8 9 है ना ये तो। अरे यार 8 9 था ना, ये तो 8 9 था, 0.5 4 9 होता है और ये 8 होता है, 0.89। तो 0.89 हो गया, तो ये 8 9 क्या बचेगा, ये 1 1 बचेगा। तो अब जब इसका अंडर रूट कीजिएगा तो 0.11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो इसका होगा वो होगा बी, 0.11 अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम लोग, जरा देखिए क्वेश्चन 32 क्या है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड, ठीक है। द रॉड स्लाइड्स परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन इन द फिगर। द वेलोसिटी ऑफ ए टू द हाइट टू द राइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ बी वेन एंगल इज 60 डिग्री। अभी बताना है कि बी का वेलोसिटी कितना होगा। अब यहाँ पे एक समझने वाला बात है आप लोगों के लिए, वो समझने वाली बात क्या है कि किसी भी एक रूप पे जब वेलोसिटी आप लोग निकालते हैं ना, तो हर पॉइंट का वेलोसिटी जो होता है ना वो सेम होता है, बट आप लोग को यहाँ पे एंगल दे दिया है 60 डिग्री। तभी ना जब हम लोग पुली का जब शो डायग्राम बनाते हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ कि इसका वेलोसिटी अगर वी है, इस पॉइंट का वेलोसिटी वी होता है नीचे की ओर, और इस पॉइंट का वेलोसिटी भी वी ही होता है भले नीचे की ओर ना हो, और इसका वेलोसिटी भी वी ही होता है जब भले नीचे की ओर ना हो, लेकिन हर एक पॉइंट अगर मास से स्ट्रिंग है तो इसका वेलोसिटी जो होता है वो वी ही होता है। एंड इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जो लैडर है, जो कि लैडर आपको दिख रहा है कि वो एकदम से है लटका हुआ, और ये ए है, और ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है अल्फा, कितना दिया हुआ है आप लोग को, 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो ए पॉइंट है ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये बी पॉइंट जो है वो भी नीचे आ रहा है समवॉट वेलोसिटी से। तो इसका जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा बी का ना, वो 10 ही होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में आप लोगों को निकालना है।
अभी हो जाता है था बहुत लोचा। तो जब आपको इस डायरेक्शन में निकालना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा भैया, ये एंगल हो जाएगा पास 30 डिग्री हो जाएगा ना, 30 डिग्री हो जाएगा है ना, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल कितना है पास, 90 डिग्री है ना। तो अगर मेरे पास इसका वेलोसिटी मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो फिर चलिए देखते हैं क्या करते हैं। अब हमारे पास ए का वेलोसिटी जो है, चलो मान लेते हैं कि ए जो वेलोसिटी जो चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड, तो मानना क्या है इसमें, बी जो वेलोसिटी जो चल रहा है इसमें उसको मान लेते हैं, उसको मान लेता हूं मैं। अब देखिए ये ए इधर चल रहा था, मैं इसको वी एक्स मान लेता हूँ और इसको मैं वी वाई मान लेता हूँ, ठीक है। ये वी बी जब नीचे आएगा तो वी वाई का डायरेक्शन में आएगा, वी एक्स के डायरेक्शन में जाएगा, ओके। इस फिगर से हमें पता चल रहा है कि टैन अल्फा जो है, टैन अल्फा जो है यानी कि ये जो अल्फा की इक्वल टू दिया हुआ है, ये टैन अल्फा जो है वो ये y अपॉन x है, ये y अपॉन x है। अगर ये पूरा डिस्टेंस y है मेरा और ये पूरा डिस्टेंस मेरा पास x है तो ये y अपॉन x है मेरे पास tan अल्फा, ओके। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बराबर बात, बराबर बात सर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, आप लोग ये समझ में आना चाहिए कि वी वाई जो है ना वो वी एक्स टैन अल्फा है। अब ये कैसे हुआ सर, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, मेरे पास जब ये वी वाई नीचे की ओर आ रहा है, वी एक्स इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, और ये टैन अल्फा जो मेरे पास यहाँ पर है मैं इसको यूज करना चाहता हूँ इसके जगह पर, और इसीलिए यहाँ पे लिखी लगे यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक्स को मैं इधर लेके गया हूँ, क्या किया हूँ मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, पहले नीचे लिखता हूँ, मैंने एक्स को इधर लेके गया हूँ, मैं एक्स से टैन अल्फा कर दिया है और मैंने वाई कर दिया है, फिर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। डिफ्रेंशिएट करने पे आता है वी एक्स टैन अल्फा इक्वल टू वी वाई, तो आंसर आ गया ना आप लोग को, ये कैसे आया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक बात कहा था इस क्वेश्चन के शुरुआत में, ये जो वेलोसिटी है वो इधर ही 10 ही है और इसको आपको इस डायरेक्शन में निकालना है, पर इतना ही करना है। वी एक्स आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड है और टेन अल्फा पता है आप लोगों को कितना होता है, 60 है तो √3 होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 √3, √3 होता है 1.732, तो 17.32 मीटर पर सेकंड हो जाएगा वी वाई का वेलोसिटी यानी कि बी का वेलोसिटी। इस तरह से हमारे पास कुछ आंसर आएगा इसका। अब जरा देखिए, अगर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो अगर आप अभी लोग अगर आप लोग इसको कर दे 10 sin थीटा, अगर आप लोग इसको कर देते हैं साइन थीटा कर देते हैं, मतलब 10 आता है, 10 √2 आता है ना, ये आता है 10 sin cos थीटा, cos थीटा क्या होता है 10 30 यानी कि √3/2, तो यहाँ पे आपको 5 √3 मिल जाता, और जो कि आप लोग को गलती हो जाती, और ये ही गलती हो जाती है जब आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे टैन अल्फा को यूज करना है, इसीलिए डायरेक्टली यूज नहीं करना। मैं इसका स्टेप बताऊंगा, ये भी किया जा सकता है लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा पेंच है, इस ढंग से भी सॉल्व इसको किया जा सकता है, मैं इसको सॉल्व करके आने वाले किसी वीडियोस में दिखाऊंगा आपको जरूर, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग क्योंकि अभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बात अभी नहीं करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना था हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत इजिली क्वेश्चन सॉल्व हुआ है हमारा, ध्यान से देखिएगा। मैंने बस टैन अल्फा का रिलेशन लिखा, एक्स को इधर लेके गया, वाई को इधर लेके गया, फिर उसको वेलोसिटी के टर्म में ले आया, कैसे डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी के टर्म में आ गया, वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इसको ध्यान रखना है कि इसको अलग ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। एंड अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन था क्या, हाँ देख लेता हूँ मैं एक बार, 223 24, 1 2 3 4 और ये 5, अरे यार अभी तो 2 क्वेश्चन और है, मैं बाय क्यों कह रहा हूँ, चलो देखते हैं उन दोनों क्वेश्चन में देख लेते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 33 आता है हमारे पास, इसके बाद देखता हूँ। द स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेस अ रिवर विड्थ ऑफ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इन इज इन। अब बोल रहा है क्या कि एक रिवर को पार करना है, फिर से रिवर वाला क्वेश्चन है हमारे पास। स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि अगर स्पीड ऑफ बोट जो है, नॉर्मल स्पीड ऑफ बोट जो है यानी कि वी बी जो है, ठीक है, वी बी जो है वो कितना है मेरे पास 15 किलोमीटर पर आवर है ना, 5 किलोमीटर पर आवर, तो वी बी जो है मेरे पास ये 5 किलोमीटर पर आवर है, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट थिंग इज इट क्रॉस द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, ये जो विड्थ है वो 1 किलोमीटर का विड्थ है,
टाइम दिया हुआ है वो 15 मिनट्स में क्रॉस करता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ उसको 1/4 आवर में क्रॉस करता है, ठीक है ना, 1/4 आवर में क्रॉस कर सकता है इसको, मैं कह सकता हूँ 1/4 आवर में क्रॉस करता है, क्योंकि ये आवर में दिया हुआ है, उसको मैंने आवर में कर दिया, कैसे किया, 15/60 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1/4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज इन किलोमीटर पर आवर, आप वेलोसिटी निकालना है रिवर वाटर का, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ से चलूं तो क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि रिवर का वेलोसिटी कुछ यू है, वी आर, आदमी का वेलोसिटी सीधा रहेगा, है ना, सीधा रहेगा ना, ये हो जाएगा वी बी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर, तो वो कुछ जो होगा वो कुछ यूं आएगा, है ना, अगर मैं इसको इधर करता हूं तो यूं आता, लेकिन मैं अगर इसको इधर रखा हूं तो मैं इसको यूं लिखूंगा, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इन सब झंझट को छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो ये जो वी बी आर होगा मेरे पास, अब जरा ध्यान से देखो, 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूँ वी बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंपल सिंपल मैंने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है ना, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है मैंने, इधर से आ सकता है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे करूं कि मेरे पास ये इक्वेशन तो आ गया मेरे पास, नाउ वी हैव नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट थिंग क्या है, पास टाइम दिया हुआ है हमें, विड्थ भी दिए हुई है हमें, विड्थ दी हुई है 1 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है ये 1/4 किलोमीटर, ठीक है, 1/4 आवर, ठीक है, 1/4 आवर दिया हुआ है, पुट कर देते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी कि विड्थ अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बोट, नाउ वी हैव डब्ल्यू अपॉन, अब वी बी को जब मैं लिखूंगा तो ये लिखाएगा अंडर रूट वी बी आर माइनस वी आर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, वी बी आर जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, सॉरी वी बी आर जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, ये भी वी बी आर ही है, ठीक है, ये वी बी आर है, देखिए मैंने ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो वी बी आर है ये स्टिल वाटर का है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्टिल वाटर का है, स्टिल वाटर में, और इसको मैंने डिनोशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, वी बी जो है वो हमारा जो है वो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब क्या है यहाँ पे मैं इसका वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये हो गया मेरा 5 का स्क्वायर, तो ये लिखूंगा मैं 25, ठीक है, विड्थ मुझे पता है, विड्थ कितना है मेरे पास 1 है, ये पता था मुझे, टाइम को मैं लिखता हूँ 1/4, कोई दिक्कत इसमें, सब को मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 1/4 इज इक्वल टू 1/25 माइनस वी आर स्क्वायर, तो जब मैं इन सबको मिटाता हूँ यहाँ से तो अब मुझे क्या ऊपर लिखाएगा, ये 4 इज इक्वल टू 25 माइनस वी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर क्या है 16 हो जाएगा ना यार, 16 हो जाएगा, ये स्क्वायर क्या है तो 16 हो जाएगा, ये 1/4 का स्क्वायर क्या 16 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया ऐसा आ गया मेरे पास अभी, अब वी आर इधर जाएगा 16 इधर जाएगा, तो वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 9 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। इसका एक अल्टरनेटिव स्टेप भी है, उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आप लोग ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसको इस तरीके से बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई मुझे भी, और आप लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आई होगी, तो इसीलिए एक बार और देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, मेरा बस इतना कहना है। चलो मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो इधर से है वी आर, ठीक है, अब हमारे पास जो वी वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो मैं मानता हूं कि वो इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो एक एंगल बनाएगा अपने वर्टिकल से कंपोनेंट से, ठीक है, वो बनाएगा थीटा, तो इधर हो जाएगा इसका वी बी कॉस थीटा, मैं वैसे मानता हूँ वी बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास वी बी साइन थीटा, ठीक है, अगर ये मैं वी बी लिया हूं तो, ओके, फिर देखो इसमें टाइम मेरे पास 1/4 हमें पता है, तो अब अगर मुझे टाइम पता है और ये जो डिस्टेंस मैंने विड्थ मानी है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है विड्थ अपॉन स्पीड, एंड स्पीड इज नॉट व्हाट, स्पीड इज नॉट वीवी कॉस थीटा, सिंपल सिंपल वीवी कॉस थीटा होना चाहिए स्पीड मेरा, ठीक है। अब जरा देखिए,
टाइम मेरे पास 1/4 है, विड्थ मेरे पास 1 किलोमीटर है, वीबी कॉस थीटा क्या है, वीबी कॉस थीटा मेरे पास 5, ये तो 5 है ना, मेरे पास 5 तो लिया ही वाई है, तो 5 कॉस थीटा है मेरे पास ये, तो 1/4 कॉस थीटा, तो मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास यहाँ से, 5/4 का वैल्यू आ गया मेरे पास ये, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 इधर जाएगा 5/, चलो देखो ध्यान से फिर से देखो एक बार, ये हो गया मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास कितना 4 = 5 cos थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/5 है ना, देखो गड़बड़ यहाँ पे भी हुई, तो 4/5 हो जाएगा ये मेरे पास वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 आ गया। अब अगर 4/5 cos थीटा आया है तो इससे मैं निकाल सकता हूँ sin थीटा, sin थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, सिंपल सिंपल 4/5 होता है 3/5 हो जाएगा cos sin थीटा, क्योंकि जब आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप पढ़ते हैं तो एक ट्रायंगल जहाँ पे ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये 3 हो जाता है अगर थीटा है ये, तो ठीक है, तो ये sin थीटा मेरे पास 3/5 आ गया। अब sin थीटा 3/5 आ चुका है तो सिंपल सिंपल करना है, अब एक काम क्या करना है कि vb जो है, vb sin थीटा जो है, vb sin थीटा जो है वही तो vr के इक्वल होगा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है इसी वीडियो में, तो vb sin थीटा जो है वो मेरा है vr के बराबर है ना, और हमें निकालना क्या है vr, तो vb कितना है पास 5 है और sin थीटा कितना हो गया पास 3/5 हो गया, तो 5/5 कट गया, vr कितना आ गया मेरे पास 3 किलोमीटर बराबर आ गया। ओके तो ये कुछ इस ढंग से आंसर इसका निकलेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का समय है क्या हमारे पास, तो हाँ है, देख लेते हैं क्या देखते हैं, वीडियो थोड़ा सा और ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसी वीडियो में मैंने बताया है कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, चलिए बता देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसका 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, तो यहाँ पर क्या है ना कि टॉर्क निकालना है, एक फोर्स दिया हुआ है आर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है इसका, आर क्रॉस एफ होता है हमारे पास, ठीक है, क्या होता है हमारे पास आर क्रॉस F हो जाता है ना, तो आर क्रॉस अगर F करते हैं हम लोग यहाँ पे तो देख लेते हैं, तो मैं ऊपर ही कर लेता हूँ, I कैप J कैप K कैप, R कितना है पहले दिया हुआ, R है 7 + 7 + 3 + 1 और F है -3, I कैप है ना +1 है और +5 है, ठीक है, अब अगर मैं इसको नीचे लिखता हूँ तो क्या लिखाएगा ये मेरे पास, टॉर्क इज इक्वल टू I कैप छुपेगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा 15 -1 - जे कैप छुटेगा इधर मल्टीप्लाई होगा छुपेगा इधर मल्टीप्लाई होगा 735 -3 + 3 + के कैप छुपेगा इधर मल्टीप्लाई होगा 707 -+3 = 9 ये आ जाएगा मेरे पास 14 आई कैप, ये आ जाएगा मेरे पास -38 जे कैप, यह जाएगा +16 के कैप, ठीक है, तो ये कुछ आंसर आया हमारे पास, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास डी। ओके सो यू गाइस इन द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, और एक बोर्ड वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी उसके लिए सॉरी, बिकॉज उस तरह से बताने में कैलकुलेशन थोड़ा सा अजीब हो गया था, वहां पे मेरा दिमाग थोड़ा सा कहीं और भटक गया था, ठीक है, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा, एंड कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं मुझसे भी, तो उसको प्लीज प्लीज बेयर कीजिएगा, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन मैंने सही से समझाया और फिर बाद में मैंने क्वेश्चन को सही से समझा दिया एक और ढंग से, ताकि आप लोग को पिछला वाला डाउट क्लियर हो जाए, तो सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में कर लिया, तो आप लोग को अब मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, एंड स्टडी स्मार्ट वर्क हार्ड।